एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारी स्किन इलास्टिसिटी कम्प्लीटली लूज़ कर देती है, फर्मनेस लूज़ कर देती है और कोलेजन कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन सैग कर जाती है, फाइन लाइंस और रिंकल्स डेवलप हो जाते हैं और हम देखने में ओल्ड लगने लगते हैं। कई बार ऐसा टाइम से पहले भी होता है जिसको हम प्री मैच्योर एजिंग कहते हैं, जिसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट जब ऐसा होता है तो हम इसके सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं, वरीज करने लगते हैं। व्हाट इफ अगर आप अपने एजिंग को कम्प्लीटली हैक कर लें और एजिंग के प्रोसेस को बिल्कुल स्लो कर दें और अपनी एज से हमेशा यंगर दिखें। इन्हीं एंटी एजिंग हैक्स के साथ में मैं अपनी एंटी एजिंग सीरीज आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैं एंटी एजिंग कोलेजन बिल्डिंग मास्क, सीरम और कोलेजन पाउडर आपसे शेयर कर रही हूँ। Hi friends, I'm Preeti and welcome to my channel and welcome to the second episode of Anti-Aging series. इस वीडियो में मैं आपसे एक एंटी एजिंग कोलेजन बिल्डिंग सीरम शेयर कर रही हूँ। ये सीरम आपकी स्किन को एक इंस्टेंट लिफ्ट, इंस्टेंट पुल देगा। इसके फर्स्ट यूज़ के बाद ही आपको फील होगा कि आपकी स्किन फर्म हो गई है, टाइट हो गई है। इस सीरम को यूज़ करने के दो तीन डिफरेंट वेज हैं जो मैं आपको बताऊँगी एज एंड वेन वीडियो प्रोसीड्स। इसके पहले मैंने आपसे एक एंटी एजिंग मास्क शेयर करा था अपनी सीरीज के फर्स्ट पार्ट में, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, ऊपर भी फ्लोट कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ क्लिक ऑन दैट लिंक एंड वॉच दैट वीडियो फॉर श्योर, बिकॉज इस सीरम का थर्ड यूज मैंने उस मास्क के कॉम्बिनेशन में आपको बताया है। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू मेक दिस सीरम, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑन ऑल, बिकॉज मैं ऐसे हेल्थ और ब्यूटी के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ और जब भी मैं उनको अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उनको मिस ना करें। सो लेट्स सी हाउ टू मेक दिस एंटी एजिंग सीरम। इस सीरम को बनाने के लिए हमको टू फ्रेश जेल्स चाहिए अलॉन्ग विद अ फ्यू अदर इन्ग्रेडियंट्स। फर्स्ट जेल है फ्लैक्सीड और ओट्स का जेल, जिसकी रेसिपी मैंने आपसे इसके पहले वाले वीडियो में शेयर करी थी, बट फॉर दोस्ट हुआ कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, जिन्होंने वो वीडियो मिस कर दिया है, अ फास्ट रिकैप फॉर देम। फ्लैक्सीड और ओट्स के जेल को बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए फ्लैक्सीड। टेक 1 teaspoon ऑफ फ्लैक्सीड इन अ बोल, जिसमें आपको बनाना है ये जेल। एड 1 glass ऑफ वाटर टू इट, फिर उसमें आप ऐड करिए 3/4 या 1 teaspoon ऑफ ओट्स। अब इसको आप स्लो फ्लेम पर बॉईल करिए, इसको धीरे धीरे स्टिर करते रहिएगा, नहीं तो ये ज़्यादा थिक हो जाएगा। जब आपको लगता है कि इस जेल की कंसिस्टेंसी थिक हो गई है तो इमीडिएटली उसी वक्त ही बॉइलिंग कंडीशन में इसको एक स्ट्रेनर में ट्रांसफ़र करिए और ट्रांसफ़र करने के बाद में इसको प्रेस कर करके एक्सट्रैक्ट करिए, अच्छे से प्रेस करिएगा, बिकॉज ये जेल थिक होता है। अब इसको आप एक्सट्रैक्ट करके एक छोटे से कंटेनर में स्टोर करके किनारे रख लीजिए। अब जो सेकेंड जेल हमको चाहिए वो है फ्रेश एलो जेल। फ्रेश एलोवेरा जेल ही लीजिएगा इस सीरम के लिए। नाउ 2009 में एक रिसर्च हुई थी जिसने ये प्रूफ किया था कि अगर आप ये फ्रेश एलोवेरा जेल अपने फेस पर 90 डेज तक लगाते हैं तो स्किन की फाइन लाइंस और रिंकल्स बहुत एक्सटेंड तक रिड्यूस हो जाती हैं। अगेन 2015 में फिर से एक रिसर्च हुई थी जिसने ये प्रूफ किया था कि अगर एलोवेरा पाउडर को एज अ सप्लीमेंट हम कंज्यूम करते हैं तो फाइन लाइंस और रिंकल्स सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाती हैं। सो इस जेल को लगाइए भी और कंज्यूम भी करिए। सो अब एलोवेरा जेल बनाने के लिए हमको चाहिए एक फ्रेश एलो लीफ। अब इस लीफ को पील करके इसके छोटे छोटे पीसेस आप करिए और उसके बाद में इसको एक मिक्सर में या ब्लेंडर में डाल के इसका जेल एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और उसको स्ट्रेन करके एक छोटी सी बोल में आप रख लीजिए। नाउ थर्ड इंग्रेडिएंट जो हमको चाहिए वो है ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर में बहुत हाई कंटेंट ऑफ विटामिन सी होता है, जिसकी वजह से ये कोलेजन को बूस्ट करता है और इलास्टिसिटी मेंटेन रखता है। सो टेक 1 या 1/2 teaspoon ऑफ ऑरेंज पील पाउडर। अब थोड़े से पानी को आप बॉईल करिए एक अलग कंटेनर में, उसमें से अराउंड 2 tablespoons ऑफ बॉइलिंग वाटर आप इस ऑरेंज पील पाउडर में ऐड करिए और उसको स्टिर करके उसको कवर कर दीजिए। कवर करके उसको आप एटलीस्ट 2 to 3 hours के लिए छोड़ दीजिए। 2 to 3 hours के बाद में आप जब उसको ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका कलर कम्प्लीटली ऑरेंज हो गया है पानी। नाउ इसको स्ट्रेन करिए और स्ट्रेन करके साइड में एक छोटी सी बोल में आप निकाल लीजिए। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट विच वी नीड फॉर एंटी एजिंग सीरम इज कैरेट जूस। बहुत थोड़ा सा कैरेट जूस हमें चाहिए, तो आप थोड़ी सी ग्रेटेड कैरेट लीजिए, अराउंड 1 tablespoon ऑफ ग्रेटेड कैरेट। और जिस बोल में हमने ऑरेंज पील पाउडर का एक्सट्रैक्ट या जूस निकाल के रखा है उसी में ही आप अराउंड 1 tablespoon ऑफ कैरेट जूस को स्ट्रेन करके निकाल लीजिए। इन दोनों जूस की क्वांटिटी सेम ही होनी चाहिए। मैंने दोनों जूस की क्वांटिटी अराउंड 1 tablespoon ईच ली है।
कैरेट जूस इस सीरम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है बिकॉज कैरेट जूस हैज हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ए सी एंड बीटा कैरेटिन। ये तीनों ही चीजें आपकी स्किन को कोलाजन को बूस्ट करती हैं। बीटा कैरेटिन बॉडी में जाने के बाद में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ वी हैव टू ऐड एलोवेरा जेल टू दिस बोल, सो टेक अराउंड 2 टीस्पून ऑफ फ्रेश एलोवेरा जेल जो हमने एक्सट्रैक्ट करके रखा था और अपनी इस बोल में ऐड करिए। उसके बाद में आप ऐड करिए 2 टीस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड जेल एंड ओट्स का जेल जो हमने बनाया था। नाउ लास्टली वी नीड विटामिन ई ऑयल इन दिस सिरप। विटामिन ई ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत सारी स्टडीज इस ऑयल पर भी हुई हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है कि अगर इसको रेगुलरली नॉट फॉर 1 मंथ और 2 मंथ रेगुलरली एक रूटीन के फॉर्म में इसको अपनी स्किन के रिजीम का पार्ट हम बनाते हैं तो आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स डेवलप ही नहीं होती हैं बहुत टाइम तक। अलॉन्ग विद रिमूविंग रिंकल्स एंड फाइन लाइंस ये आपकी स्किन के डार्क पैचेस, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करता है। तो ये बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव ऑयल है। आप टेक अराउंड 10-15 ड्रॉप्स ऑफ विटामिन ई ऑयल और इसको अपनी सिरम में ऐड करिए। अगर आपके पास में ये ऑयल नहीं है तो नो वरीज, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक ऐड कर दी है, आप वहाँ देख कर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। अब आप इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से बोल में मिक्स कर लीजिए। बिकॉज इसमें 2 डिफरेंट जेल्स हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है किसी स्पून से इसको ब्लेंड करना, सो आप छोटे से ब्लेंडर में या छोटे से कंटेनर में आप डाल करके मिक्सर में इसको ब्लेंड कर सकते हैं और आपकी सिरम एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी में रेडी हो जाएगी। अब इस सिरम को आप किसी ग्लास ड्रॉपर बॉटल में स्टोर कर सकते हैं जिसमें ड्रॉपर हो, नहीं आपके पास में ग्लास ड्रॉपर बॉटल तो आप किसी भी ग्लास के कंटेनर में सिरम को स्टोर कर सकते हैं। आई जनरली स्टोर इट इन अ ग्लास ड्रॉपर बॉटल बिकॉज फिर बहुत ईजी हो जाता है, जब भी लगाना है ड्रॉपर से थोड़े से ड्रॉप्स लिए और अपने फेस में और नेक में मसाज करते हुए सर्कुलर मोशंस में इसको अप्लाई कर लिया। सो बनाइए इस सिरम को और यूज करिए। इस सिरम को यूज करने के बाद में आपको एक इंस्टेंट टाइटनिंग इफेक्ट फील होगा, एज इफ आपकी स्किन पुल हो रही है। तो सोचिए अगर फर्स्ट यूज के बाद में आपको टाइटनिंग इफेक्ट फील होगा तो अगर आप इस सिरम को 1 या 2 मंथ्स रेगुलरली यूज करते हैं तो ये आपकी स्किन को कितना ट्रांसफॉर्म कर देगी। आपकी स्किन टाइट हो जाएगी और फर्म हो जाएगी, और जब स्किन टाइट होती है तो शाइन और ग्लो ऑटोमेटिकली आ जाता है। इस सिरम को आप बना करके फ्रिज में 3-4 डेज के लिए स्टोर कर सकते हैं इजिली। अब इसको यूज करने के 3 डिफरेंट वेज हैं। फर्स्ट वे है कि आप इसको एज अ लीव इन सिरम यूज करिए, अपने फेस को वॉश करिए, ऑल ओवर फेस में और नेक में अप्लाई करिए और इसके बाद में आप मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन से फॉलो अप करिए। सेकेंड यूज है कि आप इसको एज अ जेल मास्क यूज कर सकते हैं, अच्छे से गुड क्वांटिटी में लेकर इसको अपने फेस और नेक पे अप्लाई करिए और जब ये ड्राई हो जाए तब इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। थर्ड यूज तो बहुत ही सुपर इफेक्टिव यूज है, इसको मैंने बहुत बार ट्राई किया है। इसको आप 10-15 मिनट्स के लिए एज अ मसाज जेल यूज करिए, अच्छे से मसाज करिए जैसे फेशियल में हम करते हैं। उसके बाद में एक हॉट टॉवल लीजिए और उससे अपने फेस को 2-3 मिनट्स के लिए स्टीम दीजिए, या अगर आपके पास स्टीमर है तो उससे आप स्टीम ले लीजिए। उसके बाद में जो मैंने एंटी एजिंग फेशियल मास्क आपसे शेयर करा था उसको आप ऑल ओवर फेस और नेक अप्लाई करके छोड़ दीजिए और जब वो ड्राई हो जाए तो वॉश ऑफ कर दीजिए, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगा लीजिए। ये यूज बहुत ही इफेक्टिव है और ये आपकी स्किन को एक इंस्टेंट लिफ्ट, इंस्टेंट ग्लो, इंस्टेंट ब्राइटनेस देगा। तो इस सिरम को बनाइए और यूज करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ लाइक टू इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको भी आप लव करते हैं और आप चाहते हैं वो हमेशा यंग दिखे। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, बिफोर लीविंग वन लास्ट थिंग, मैं बहुत ही जल्दी अपने चैनल पर एक एंटी एजिंग ऑयल ब्लेंड कोलाजन सिरम भी आपसे शेयर कर रही हूँ। इस सिरम को तो मैं पर्सनली एक कोलाजन बॉम बोलती हूँ बिकॉज ये सिरम आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स की सबसे बड़ी एनिमी है। इसको यूज करने के बाद में तो मैजिकली आपको ऐसा फील होगा कि आपकी स्किन कभी एजेड या एजिंग के साइंस ही नहीं शो कर रही है। सो सिरम को जरूर देखिएगा व्हेन आई शेयर दैट सिरम इन माय चैनल एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड अभी तक तो सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आप मेरी उस सिरम का वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। सी यू सून।